कि आने वाले दिनों में मौसम का सूरत हाल कैसा रहेगा सर? जैसे आने वाले दिनों में एक दो और तीन दिन बड़े बारिश बर्फ होने का इम्कान है, जिसमें की का पूरा लद्दाख के हर जगह पे अच्छी बर्फबारी होने का इम्कान है। यस सर, तो मतलब इन दिनों लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? हाँ, लोगों के लिए बिल्कुल, अभी क्योंकि भारी बर्फ होने का इम्कान है, तो इसीलिए सबसे पहले तो खास करके एक दो तारीख को या एक दो तीन को जो मेजर जैसे करदोंगला है या जोजिला है, जोजिला तो वैसे बंद है, करदोंगला तेंजिला या जो भी जैसे चंगला वगैरह वो बंद होने का चांसेस है बर्फ की वजह से, और दूसरा जो मैदानी इलाकों में भी बर्फ गिरने का इम्कान है, तो लोगों से इतला दी जाती है थोड़ा सावधान से चलाइए, जैसे ट्रैफिक महकमा एडवाइजरी जारी करते हैं उसको पालन कीजिए एक तो। इसके साथ और ये भी ये कहना जरूरी है कि जब भी अभी बर्फबारी हुआ है, अभी भी बहुत बड़ी हुआ भी है, आने वाले दिनों में खास करके एक दो को और बर्फबारी का पेशन हुई है, तो जो जहाँ पे स्नोबॉर्न एरिया में एम्बुलेंस का खतरा रहता है, स्नो एम्बुलेंस का, तो लोग जब भी वहाँ से मतलब स्नोबॉर्न एरिया में जाते हैं, एम्बुलेंस प्रोन एरिया में जाते हैं, तो सावधान रहना बहुत जरूरी है, कॉशियस और अलर्ट रहना। और बाकी एक दो को फ्लाइट, अगर किसी को आना जाने का अगर कोई प्लान हो तो फ्लाइट भी थोड़ा देख के कीजिए, क्योंकि फ्लाइट उन दिनों कैंसिल भी होने का चांसेस है। प्लेन एरिया में भी होने का है सर बर्फ? जी, प्लेन एरिया में बर्फ होने का इम्कान है एक दो तारीख के बीच में, खास करके दो तारीख को। फिर बदलाव कब से होगा सर? 4 तारीख से आमतौर पर फिर मौसम में इम्प्रूवमेंट, तब्दीली आने का इम्कान है।